लवन ने मुझे तुमसे कुछ कहना? नहीं है सर, प्लीज कुछ मत बोलो। लवन ने तुम जो मेरे लिए फील करती हो शायद वो मैं तुम्हारे लिए फील नहीं करता, और शायद कभी किया भी नहीं। पर अब और झूठ नहीं बोल सकता। इनफैक्ट अब झूठ बोलकर तुम्हें और इंसल्ट नहीं कर सकता। मेरे लिए नहीं, तुम्हारी खातिर। हम दोनों लावण्य, तुम और मैं, ये शायद आई नो सर, मुझे लगा ही था तुम मुझसे यही कहोगे। शायद मुझे पहले ही महसूस हो गया था, कहीं ना कहीं मुझे डर था कि हमारे इस रिश्ते का यही एंड होगा। यू नो, विदाउट एनी मैं जानती थी शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, खुद से झूठ बोलती रही, हर वक्त झूठ बोलती रही, इतना झूठ बोलती रही कि मुझे वो झूठ भी सच लगने लगा। आई नो ये सर, तुम्हें ये सब पसंद नहीं, बट आज आखिरी बार, एक बार, सिर्फ एक बार, क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? I'm so sorry about all this. कुछ सवालों के जवाब नहीं होते ना, इट्स सो फनी ना ये सर। जैसे हम लोगों ने अचानक एंगेजमेंट की, मुझे कैसे पता चला कि कुछ ठीक नहीं है? तुम्हें कैसे रियलाइज हुआ कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती? Are you okay? हमें घर वालों को बता देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये बात हम उन्हें एक साथ बताएं। नहीं है सर, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये तुम और मैं, आई मीन दोनों,
को दुख पहुंचा के हमें क्या मिलेगा? अंजलि जी, आप भूल से भी किसी से ये मत कहिएगा कि हमारी सगाई टूट गई है। आकाश जी और जीजी की सगाई दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और आपके दुख का क्या? आप जानते हैं आप हमें क्या करने को कह रही हैं? I know ये सर, मैं क्या कह रही हूँ? लावण्या? नहीं ये सर, I mean सब इतने खुश हैं। This is just not the right time. मामी जी इतनी मुश्किल से आकाश और पायल की शादी के लिए मानी। अगर उन्हें हमारे ब्रेकअप की न्यूज़ पता चली तो उनकी इंगेजमेंट पर असर पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते सर। और मैं नहीं चाहती कि नानी और दी और अपसेट हो। I can't believe this. तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सोच रही हो? I really, really respect you for this. तुम मुझे रिस्पेक्ट तो करती हो, पर प्यार? सॉरी सर, मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी इस बात को लेके गिल्टी फील करो। I mean, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। पर ये नहीं चाहता कि आप लोग इमोशनल हो जाएं और इससे आकाश और पायल की एंगेजमेंट पे कोई फर्क पड़े। छोटे, ऐसा हुआ क्या है? मैं और लावण्या एंगेजमेंट नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा इसलिए हो रहा है आकाश, क्योंकि मैं और लावण्या अब साथ नहीं है। We're not a couple anymore. छोटी, ऐसे अचानक? जरूर तुम्हारे और लावण्या जी के बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा ना छोटे? ऐसे छोटे छोटे झगड़ों की वजह से ऐसे नहीं। हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। तो ये सब का है छोटे? आपने समझ कर रखा है? कभी कहते सगाई कल ही होगी और कभी कहते कि होगी नहीं। आपको ये सब खेल लगता है का? नानी, आपको जो समझना समझ लीजिए, पर ये लाइफ मेरी है। छोटे, कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी से हम सभी जुड़े हुए हैं? ये खातिर तो एक परिवार कहलाता है, और आप इस परिवार का एक हिस्सा है छोटे। जल्दबाजी में लिया वो कोई भी फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी पर नहीं, पूरे परिवार पर असर कर रहे थे। नानी, ये सब बातें अभी मत कीजिए प्लीज। पर अर्नब, बिटू प्रॉब्लम का है छोटे, जो भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। इतनी देर से आप ऐसा फैसला ले ही नहीं सकते। कि अगर आज ये फैसला नहीं करता, देर तब हो जाती, तब आप लोग मंजूर करते? ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। इस वक्त हमें आकाश और पायल की एंगेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन भाई, आपका यहां रिश्ता टूट रहा हो और मैं ऐसे कैसे बाहर जाऊं? That's not a good reason, आकाश।
मेरी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो पर उससे तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा या बुरा। इसलिए लावण्या इंसिस्ट कर रही थी कि हम अभी किसी को ना बताएं। हेलो हाय बाय बाय अर्नब बिटुआ, ये कैसन हो सकत है? सासू माँ ठीक ही कहत रही, जब तक अर्नब बिटुआ की शादी ना हो जाए तब तक आकाश बिटुआ हाथ पर ना ही चढ़ सकत है। रुको, हम अभी जाके सबसे कहे देते हैं। मामी प्लीज, आकाश की एंगेजमेंट होगी।